स्टार प्लस पर कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ शो गुम है किसी के प्यार में बेहद ही कम वक्त में बड़े बड़े शोज पर भारी पड़ चुका है। शो ने जिस तरह से हर हफ्ते टीआरपी में जगह बनाई उससे लोगों को हैरानी होने के साथ साथ काफी खुशी भी है। खुद शो में साई का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस आयशा सिंह भी शो को मिली कामयाबी से खुश होकर काफी चहक रही हैं। वेल देखा जाए तो हाल फिलहाल में कई टीवी शोज ऑन एयर किए गए लेकिन वो वैसा कमाल नहीं कर पाए जैसा कि इस शो ने कर दिखाया है। ऐसे में अब आयशा ने ही शो की सक्सेस के 3 सीक्रेट बताए हैं। जी हाँ, आयशा ने बताया है कि किस वजह से ये शो इतना पसंद किया जा रहा है। क्या है वो 3 राज बताते हैं आपको भी। पहला सीक्रेट, शुरुआत से ही स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, साई यानी कि आयशा ने टैली चक्कर से खास बातचीत में शो की कामयाबी पर जो पहला सीक्रेट रिवील किया उसमें उन्होंने बताया कि शो की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन इसके हिट होने की एक बड़ी वजह है। आयशा के मुताबिक शो की कहानी शुरुआत से ही इतनी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है कि लोग उससे काफी जुड़ पाए हैं। हर बार कहानी ऐसे दिखाई जाती है कि लोग इस बात को जानने के लिए जुड़े रहते हैं कि अब शो में आगे क्या होने वाला है और इस वजह से भी ये शो कम वक्त में ही इतना सक्सेसफुल हुआ है। दूसरा सीक्रेट, लव ट्रायंगल पर कही ये बात। वेल देखा जाए तो इन दिनों कई टीवी शोज में लव ट्रायंगल का ट्विस्ट डाला जा रहा है जो ऑडियंस को काफी पसंद भी आया। वही गुम है किसी के प्यार में भी शुरुआत से ही साई, विराट और पाखी की कहानी दिखाई जा रही है। इन तीनों के बीच प्यार की तिकड़म कैसे घूम रही है ये ऑडियंस ने भी देखा, जिससे लोगों का शो को लेकर काफी इंटरेस्ट भी बढ़ चुका है। खुद आयशा भी इस बात को मानती है कि शो में लव ट्रायंगल दिखाना इसकी सक्सेस की वजह है। आयशा कहती है कि जिस तरह से शो में साई, विराट और पाखी के बीच लव ट्रायंगल ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जा रहा है उसे एक डेली सोप में दिखाना काफी मुश्किल भरा है। आयशा का कहना है कि शो में जिस तरह से एक रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है वो लोगों के बीच एक भरोसेमंद रिश्ता बनाने में कामयाब भी हुआ है। और तीसरा सीक्रेट, साई के किरदार को अच्छे से जिया। वेल किसी भी शो को हिट कराने में उसके किरदार सबसे ज्यादा अहम होते हैं जो लोगों से कनेक्ट होने के लिए अपने किरदार में अच्छे से घुस तक जाते हैं और ऐसा ही आयशा ने अपने किरदार साई के साथ भी किया। जी हाँ, अपने किरदार साई के बारे में बात करते हुए आयशा ने कहा कि वो अपने रोल को पूरे दिल से निभाते हैं। वही आयशा ने ये भी कहा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में उनके और साई के बीच एक समानता है और वो ये कि वो दोनों ही ईमानदार हैं और इस वजह से भी वो इस किरदार को जीने में सफल रही। आपको बता दें कि गुम है किसी के प्यार में शो 5 अक्टूबर 2020 को ऑन एयर किया गया था और लगातार हर हफ्ते ये शो टॉप 5 शोज के लिस्ट में शामिल रहता है। शो में आयशा के अलावा मेन लीड में नजर आ रहे हैं एक्टर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस भी लोगों के दिल में उतर आई है।